हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का विषय संस्कृत का यहाँ पर प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं। देखिए, हम आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे उचित विकल्पम चित्वा लिखा। पहले में आपके सही विकल्प में पहले का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है आपका हसन यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो सत्र यहाँ पे सत आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय यस्मिन पदे संधि, तो पुस्तकालय में होती है दीर्घ स्वर संधि, यहाँ पे आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। आंसर लगाएंगे दीर्घ संधि, पुस्तकालय में दीर्घ संधि होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, प्रिय पुत्र आसीत इत्यस्मिन पद विशेषण पद, इसमें विशेषण पद कौन सा है प्रिय पुत्र में, तो प्रिय आपका जो है इसमें विशेषण पद है ना, इसकी विशेषता बताई जा रही है, प्रिय पुत्र है ना। अगला क्वेश्चन है आपका रात्रि इत्यस्मिन पर्याय पदम, रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है, तो निशा होता है ना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका विजय इत्यस्य विलोम पदम, तो यहाँ विजय का पराजय होता है, आंसर पराजय याद रखेंगे। अगला हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि माहेश्वर सूत्राणि संति, तो यहाँ पे चतुर्दश आप आंसर याद रखेंगे, चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि संति चतुर्दश। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे रिक्त स्थान शार्ट होती है, पहला क्वेश्चन है अनुगच्छन इत्यस्य उपसर्ग, तो अनुगच्छन में अनु है, आंसर अनु हो जाएगा आपका है ना, अनु। अगला क्वेश्चन है प्राचार्य इत्यस्य, तो प्रा आंसर हो जाएगा, भानु का क्या है पर्यायवाची सूर्य हो जाएगा, और अंधकार का जो है विलोम पद पूछ रहा है यहाँ पे, तो प्रकाश। स्वजन हृदय प्रहरति, क्षणिक पुत्र जीर्णोद्धनम, इस प्रकार से आपके सभी आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, इसका चतुर्दश आंसर रहेगा है ना, जो इनको जरूर याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके जो युग में मिलन यानी कि सही जोड़ियाँ आती हैं, रामस्य में षष्ठी एक वचनों में इस प्रकार आंसर होगा, ये षष्ठी विभक्ति है ना। फलानाम में षष्ठी बहुवचनम, मनोहर में जो होती है वो विसर्ग संधि है, और गम धातु गच्छति में है सामने ही है, उपकरोति में उपप्रत्यय है, और सदैव में वृद्धि संधि। इस प्रकार से आप इनके आंसर लगा लेंगे, आपको सभी के आंसर याद कर लेने हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से है ना, इनके आंसर इसी प्रकार से आप याद कर लेंगे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, एक पदेन उत्तर लिखा है ना, एक वाक्य उत्तर लिखा, तो पठ पठ धाता लेट लकार उत्तम पुरुषस्य एकवचनम रूपम क्यों अस्ति, तो यहाँ पे पठिष्यामी आपका आंसर हो जाएगा, पठिष्यामी है ना, लेट लकार उत्तम पुरुषस्य पूछ रहा है एक वचन में। राम धावती इत्यस्मिन् पदे वाक्य का धातु अस्ति, तो राम धावती इसमें आपकी धाव धातु है, धाव है ना, धाव आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोलाहलम या कुरु इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् पदु, तो यहाँ पे या आंसर होगा या है ना। अगला है आपका अहम अपि विद्यालयम् विद्यालय गच्छामि, अव्यय पद कौन सा है, अपि यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अपि। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अहम विद्यालयम् अपि, तो यहाँ पे अपि इसका आंसर होगा, इसका या होगा, इसका धाव होगा है ना। अगला है आपका इसका ये धाव है ना। अगला है बालकस्य इत्यस्य का विभक्ति अस्ति, बालकस्य में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पे आपकी षष्ठी विभक्ति है जो बालकस्य में है, षष्ठी ये नहीं लगाएंगे आप, षष्ठी लिखेंगे ओनली, इस प्रकार से षष्ठी लिख देंगे है ना, षष्ठी विभक्ति है जो बालकस्य में है। गजा गजा का आपको वर्ण विच्छेद करना है, चलिए देख लेते हैं गजा का वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होता है, तो गजा का पहले तो हम गा ही लिखेंगे, फिर आ आधा प्लस इस प्रकार से लगा दें, चलिए इसको हम गजह का वर्ण विच्छेद ग प्लस आ प्लस ज प्लस आ आहा, यानी कि आहा है ना, यहाँ पर गजह है तो ग आधा जा बना है यहाँ पे, और आहा तो गजह का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे सभी ऑब्जेक्ट के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, आगे के क्वेश्चन के आंसर हमने आपको एक वीडियो डाल दिया है, हमारे चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।